नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और इस क्लास में हम 2024-25 के राजस्थान बजट से जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनको इस क्लास में हम देखेंगे। तो राजस्थान बजट आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इससे 4-5 प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं अन्नपूर्णा रसोई योजना। क्या है अन्नपूर्णा रसोई योजना, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इंदिरा रसोई योजना की जगह क्या या चालू की गई है, वो चालू की गई है अन्नपूर्णा रसोई योजना चालू की गई है राजस्थान में। राजस्थान में पहले कौन सी योजना चालू थी, इंदिरा रसोई योजना, उसकी जगह अब कौन सी योजना चालू कर दी गई है, अन्नपूर्णा रसोई योजना। फिर हम देखते हैं कि जो पहले इंदिरा रसोई योजना थी उसमें कितना भोजन प्रदान किया जाता था, वह है 450 ग्राम। कितना, 450 ग्राम भोजन प्रदान किया जाता था इंदिरा रसोई योजना में। लेकिन अब जो अन्नपूर्णा रसोई योजना चालू की गई है उसमें 450 से बढ़ा करके भोजन कितना कर दिया गया है, 600 ग्राम भोजन कर दिया गया है। तो अन्नपूर्णा रसोई योजना में कितना भोजन प्रदान किया जाता है, वह 600 ग्राम भोजन प्रदान किया जाता है। तो अब हम आगे देखते हैं कि जो पहले पूर्व में जो इंदिरा रसोई योजना चालू थी, ठीक है, उसमें राज्य सरकार का प्रति थाली व्यय कितना आता था। तो राज्य सरकार का प्रति थाली व्यय आता था 25 रुपए का। इंदिरा रसोई योजना में राज्य सरकार का प्रति थाली व्यय आता था 25 रुपए का, जिसमें से 8 रुपए तो किससे लिए जाते थे, जनता से, हमसे लिए जाते थे। प्रति थाली कितने रुपए में प्रदान की जाती थी, 8 रुपए में, और 17 रुपए क्या है, सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता था। तो पूर्व में जो इंदिरा रसोई योजना चालू थी उसमें राज्य सरकार का प्रति थाली व्यय कितना आता था, 25 रुपए, जिसमें से 8 रुपए तो हमसे लिए जाते थे और 17 रुपए का राज्य सरकार द्वारा के दिया जाता था, अनुदान दिया जाता था। लेकिन अब जो वर्तमान में जब अब अन्नपूर्णा रसोई योजना चालू है उसमें क्या है, राज्य सरकार का प्रति थाली व्यय कितना आएगा, वो आएगा 30 रुपए का। राज्य सरकार का प्रति थाली व्यय आएगा 30 रुपए का, जिसमें से 8 रुपए तो जनता से लिए जाएंगे और उसमें क्या है, 22 रुपए का क्या है, सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जाएगा। तो पहले तो व्यय कितना था, 25 रुपए का आता था, अब कितना आएगा, 30 रुपए का। पहले क्या था, कितना भोजन मिलता था, 450 ग्राम भोजन मिलता था, अब कितना मिलेगा, 600 ग्राम भोजन मिलेगा। पहले भोजन में क्या शामिल नहीं थे, बाजरा, ज्वार, रागी जैसे अन्न शामिल नहीं थे। अब जो अन्नपूर्णा रसोई योजना जो चालू की गई है उसमें क्या शामिल कर दिया गया है, बाजरा, ज्वार, रागी जैसे अन्न को शामिल कर दिया गया है। अब हम आगे देखते हैं अन्नपूर्णा रसोई योजना में राज्य सरकार का वार्षिक व्यय कितना आएगा। तो अन्नपूर्णा रसोई योजना में राज्य सरकार का जो वार्षिक व्यय आएगा वो है 350 करोड़ रुपए। तो अन्नपूर्णा रसोई योजना में राज्य सरकार का जो वार्षिक व्यय आएगा वो है 350 करोड़ रुपए। अब हम आगे देखते हैं 1 जनवरी 2024 से 73 लाख परिवारों को, कितने, 73 लाख परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर प्रदान किए जा रहे हैं। तो कब से, 1 जनवरी 2024 से कितने, 73 लाख परिवारों को कितने में रुपए में, 450 रुपए में गैस सिलेंडर प्रदान किए जा रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं स्टेट रोड फंड में कितना अतिरिक्त प्रावधान किया है, बजट के अनुसार कितना अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, वह है 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इसमें स्टेट रोड फंड है उसमें कितना अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, वह 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। अब हम आगे देखते हैं प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। यह योजना चालू कब की गई, ये है 22 जनवरी 2024 को चालू की गई थी। इसके अनुसार इसमें के अंतर्गत क्या किया जाएगा, देश के 1 करोड़ हाउस होल्ड को सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रिफाई करने का लक्ष्य रखा गया है। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना चालू की गई थी 22 जनवरी 2024 से। इसके अंतर्गत देश के 1 करोड़ हाउस होल्ड है उसको सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रिफाई करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है उसका लाभ प्रदेशवासियों को अधिक से अधिक मिल सके, इसके लिए क्या किया गया है। तो राजस्थान के लोगों को इस योजना का लाभ अधिक से अधिक प्राप्त हो इसके लिए क्या किया है, तो इसके लिए ऊर्जा विभाग ने क्या किया है, पीएमयू, पीएमयू मतलब प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन किया गया है। तो ऊर्जा विभाग ने इसके लिए पीएमयू या प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन किया है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं 5 लाख से अधिक घरों को, घरों पर क्या है, सोलर प्लांट स्थापित होंगे। तो जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है इसके अंतर्गत राजस्थान में कितने, 5 लाख से अधिक जो घरों पर क्या लगाने का लक्ष्य रखा गया है, सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा गया है 5 लाख से अधिक परिवारों के घरों पर। नेक्स्ट देखते हैं कि
जो जब सोलर प्लांट लग जाएंगे तो इससे प्रति परिवार को कितनी 300 यूनिट की बिजली मुफ्त मिल सकेगी। तो सोलर प्लांट लगने के बाद प्रति परिवार को कितनी 300 यूनिट की बिजली मुफ्त मिल सकेगी, कौन सी योजना के अंतर्गत? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत। आगे हम देखते हैं किन किन शहरों हेतु 500 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएगी। तो ऐसी कौन कौन सी शहर है जिसके लिए कि 500 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध करवाई जाएगी, वो है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। इन शहरों के लिए कितनी 500 इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा की जाएगी। कौन कौन सी शहर है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। कौन से? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा, इन शहरों को 500 इलेक्ट्रिक बसों उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं जयपुर मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। तो जयपुर मेट्रो का विस्तार कहाँ से कहाँ तक किया जाएगा? टोंक रोड के साथ सीतापुरा अंबाबाड़ी होते हुए विद्याधर नगर तक। ठीक है, टोंक रोड के साथ सीतापुरा, टोंक रोड से सीतापुरा होते हुए अंबाबाड़ी होते हुए विद्याधर नगर तक क्या किया जाएगा? जयपुर मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके बजट में लिखा गया है कि जेजेएम जल जीवन मिशन में, जो जल जीवन मिशन के कवरेज में, किसमें कवरेज में राजस्थान का स्थान कौन सा था? वो था 33वां स्थान था। अब जल जीवन मिशन में जो राजस्थान का पहले अभी स्थान कौन सा है, वो है 33वां लिखा हुआ है आपके बजट में। अब देखते हैं कि जल जीवन मिशन जेजेएम, जेजेएम क्या है? एक केंद्र सरकार की योजना है। इसके तहत क्या किया जाता है? ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाते हैं। ठीक है, तो जेजेएम के तहत क्या है? ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध करवाने हेतु जो योजना चालू की गई है वो क्या है? जेजेएम जल जीवन मिशन। इसके तहत क्या है, आगामी वर्ष में कितना लक्ष्य रखा गया है? वह है 25 लाख परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। तो आगामी वर्ष में कितने 25 लाख परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है, किस योजना के तहत? जेजेएम योजना के तहत। आगे हम देखते हैं इस जेजेएम योजना में अब राज्य सरकार का व्यय कितना आएगा? वह आएगा 1500 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, इसके अंतर्गत राजस्थान के कितने जिलों में पेयजल तथा सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जाएगा? तो आपन के ये पहले तो कितने जिले दिए गए थे? 13 जिले दिए गए थे, हर जगह 13 जिले दिए गए हैं। लेकिन अभी जो बजट आया ना उसमें क्या लिखे हुए, 21 जिले, क्योंकि वो नए जिलों के गठन हो गया है। तो उसके बाद क्या जिलों की संख्या कितनी हो गई? 21 हो गई। तो बजट में आपके कितना 21 जिले लिखा हुआ है, 21 जिलों को किसके ईआरसीपी के तहत पेयजल तथा सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाया जाएगा। और 21 नई ऑप्शन में तो कितना याद रखना है, 13, क्योंकि कितना था पहले, 13 जिले थे, अब जो नए जिलों के गठन के बाद कितने हो गए हैं, 21 जिलों के पेयजल तथा सिंचाई उपलब्ध करवाया जाएगा ईआरसीपी के तहत। आगे हम देखते हैं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0, कौन सी है? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0। इसके तहत क्या है, आगामी 4 वर्षों में, कितने आगामी 4 वर्षों में 20,000 गांवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0, इसके तहत क्या है, आगामी 4 वर्षों में 20,000 गांवों में 5 लाख क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत। अगला देखते हैं ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान, TOFIR। तो फिर ठीक है, तो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान, इसके तहत क्या है, आगामी वर्ष में 4 करोड़ पौधे वितरित किए जाएंगे, जो कि कहाँ लगाए जाएंगे? ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट के बाहर की तरफ। ठीक है, तो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान, तो इसके तहत कितने 4 करोड़ पौधे वितरित किए जाएंगे। आगे हम देखते हैं कृष्ण मर्ग या ब्लैक बग के लिए हैबिटेट डेवलपमेंट कहाँ किया जाएगा, वह है जसवंतगढ़ नागौर में। इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे प्रश्न आने की संभावना है पूरी, कि ब्लैक बग या कृष्ण मृग के लिए हैबिटेट डेवलपमेंट कहाँ पे किया जाएगा, वह है जसवंतगढ़ नागौर में। ठीक है, तो कृष्ण मृग के लिए हैबिटेट डेवलपमेंट का कार्य कहाँ किया जाएगा, जसवंतगढ़ नागौर में किया जाएगा कृष्ण मृग के लिए हैबिटेट डेवलपमेंट का कार्य। आगे हम देखते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना क्या है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसके तहत क्या है, किसानों को जो पहले वित्तीय सहायता दी जाती थी, तो किसानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता पहले कितनी थी, 6,000, 6,000 से बढ़ा करके
कितनी कर दी गई है, 8,000 कर दी गई है इस बजट में। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसके तहत क्या है, किसानों को दी जाने वाली जो वित्तीय सहायता वो कितनी कर दी गई है, 8,000 रुपए कर दी गई है। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता कितनी कर दी गई है, 8,000 रुपए कर दी गई है। आगे हम देखते हैं, किसानों को गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अतिरिक्त 125 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस प्रदान किया जाएगा। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना इसके तहत क्या है, जो किसानों को कितनी वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी, 8,000 रुपए की। और दूसरा क्या है, किसानों को जो गेहूं का जो एमएसपी है उसके अतिरिक्त प्रति क्विंटल कितने हैं, 125 रुपए का बोनस प्रदान किया जाएगा। एक क्विंटल पर 125 रुपए का बोनस प्रदान किया जाएगा, एमएसपी तो मिलेगी ही, उसके अलावा 125 रुपए का क्या है, बोनस कितने, एक क्विंटल पर। तो यह है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। आगे हम देखते हैं, राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन, राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन इसके अंतर्गत कितना प्रावधान किया गया है, 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन के अंतर्गत। तो राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन में क्या क्या किया जाएगा, तो उसके अंतर्गत क्या है, 20,000 फार्म पॉन्ड खोले जाएंगे, 20,000 तो क्या फार्म पॉन्ड्स खोले जाएंगे, 10,000 किलोमीटर क्या है सिंचाई की पाइपलाइन बिछाई जाएगी, 50,000 किसानों हेतु क्या किया जाएगा, तारबंदी किया जाएगा, 50,000 किसानों के लिए क्या की जाएगी, तारबंदी, 5,000 किसानों को वर्मी कंपोस्ट यूनिट खोली जाएगी, ठीक है, 5,000 किसानों को वर्मी कंपोस्ट यूनिट का फायदा प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर खोले जाएंगे, फूड पार्क्स विकसित किए जाएंगे, हॉर्टिकल्चर हब और कस्टम हायरिंग सेंटर ये स्थापित किए जाएंगे, किस योजना के तहत, राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन के तहत, ये सभी है राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन के तहत स्थापित किए जाएंगे। आगे हम देखते हैं, किस खाद्यान्न को पीएम ने श्री अन्न की संज्ञा दी थी, तो श्री अन्न की संज्ञा किस खाद्यान्न को दी थी, वह है मिलेट, मिलेट को पीएम ने जो श्री अन्न की संज्ञा दी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रदेश में मिलेट का उत्पादन बढ़ाने के लिए आगामी वर्ष में मिलेट्स के उच्च गुणवत्ता वाले बीज प्रदान किए जाएंगे, तो वो कौन सी फसल के कितने बीज प्रदान किए जाएंगे, वो भी लिखा हुआ है, तो वो भी थोड़ा याद रखना है। तो प्रदेश में मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाने के लिए आगामी वर्ष में जो मिलेट के जो बीज का वितरण किया जाएगा किसानों को, वह मक्का के कितने बीज दिए जाएंगे, 12 लाख किसानों को बीज दिए जाएंगे, बाजरा के बीज दिए जाएंगे 8 लाख किसानों को, सरसों के बीज दिए जाएंगे 7 लाख किसानों को, मूंग के बीज दिए जाएंगे 4 लाख किसानों को, ज्वार के बीज दिए जाएंगे 1 लाख किसानों को, मोठ के बीज दिए जाएंगे 1 लाख किसानों को दिए जाएंगे। आगे हम देखते हैं, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना इंपॉर्टेंट है, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना इसके तहत क्या है, गोपालकों को डेयरी से संबंधित गतिविधियों हेतु, गोपालक है उनको डेयरी से संबंधित जो गतिविधियां है, जैसे कि उनके लिए पशुओं के लिए शेड बनाना या कोई उपकरण खरीदना या चारा वगैरह, तो डेयरी से संबंधित जो गतिविधियां है उसके लिए 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त, 1 लाख रुपए तक का कितना ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। तो गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत क्या है, जो गोपालक है उनको किसके लिए, डेयरी से संबंधित गतिविधियों के लिए कितना है, 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त, ब्याज से मुक्त शॉर्ट टर्म लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं कि गोपालक क्रेडिट कार्ड योजना है उसके तहत क्या है, 5 लाख गोपालक परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। तो गोपालक क्रेडिट कार्ड योजना में कितने परिवारों को इसका लाभ मिलेगा, वह 5 लाख परिवार है उनको गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में लाभ मिलेगा, कितने, 5 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। अब हम आगे देखते हैं कि ये गोपालक क्रेडिट कार्ड योजना है उसमें राज्य सरकार का व्यय कितना आएगा, वह 150 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। अगला प्रश्न है कि युवाओं की काउंसलिंग मार्गदर्शन हेतु प्रत्येक संभाग पर क्या है, युवा साथी केंद्र खोले जाएंगे। तो युवाओं की काउंसलिंग मार्गदर्शन इसके लिए प्रत्येक संभाग पर क्या है, युवा साथी केंद्र खोले जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, पेपर लीक जैसी घटनाओं की रोकथाम हेतु, पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही है उसकी रोकथाम के लिए क्या है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का गठन किया गया है। तो पेपर लीक जैसी घटनाओं की रोकथाम के लिए क्या है, एसआईटी का गठन किया गया है।
नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम, ये इम्पोर्टेंट है ठीक है। मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम इसके तहत क्या है, 2 वर्षों में, आने वाले 2 वर्षों में क्या है, 20,000 युवाओं को या लोक कलाकारों को, ठीक है, आने वाले 2 वर्षों में 20,000 युवाओं तथा लोक कलाकारों को क्या है, गाइड, हॉस्पिटैलिटी इत्यादि की ट्रेनिंग प्रदान करके उन्हें रोजगार प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाया जाएगा, ठीक है। तो मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम इसके तहत क्या है, आगामी 2 वर्षों के लिए 20,000 युवाओं, लोक कलाकारों इत्यादि को गाइड, हॉस्पिटैलिटी तथा लोक कला इत्यादि की ट्रेनिंग प्रदान करके रोजगार प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाया जाएगा, किस योजना के तहत, मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम के तहत। आगे हम देखते हैं आगामी वर्ष से किन किन वर्ग के छात्र तथा छात्राओं दोनों के लिए केजी से लेकर के पीजी तक, ठीक है, केजी से लेकर के कहाँ तक, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट तक, पीजी तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो केजी से लेकर पीजी तक किन वर्गों के छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है, वह अल्प आय वर्ग के बच्चों के लिए, सीमांत, लघु तथा बटाईदारी किसानों के बच्चों के लिए तथा खेतीहर मजदूरों के बच्चों के लिए, इन सभी के लिए केजी से लेकर पीजी तक की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है इस बजट में। नेक्स्ट हम देखते हैं 1ली से 8वीं तक के सभी छात्र छात्रा तथा 9वीं से 12वीं तक के छात्राओं को क्या है, प्रति विद्यार्थी 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो कितना, किन किन को प्रति विद्यार्थी 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, किन किन को 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी, वह 1ली से 8वीं तक के सभी छात्र छात्रा तथा 9वीं से 12वीं तक की छात्राएं, इनको प्रति विद्यार्थी 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आगे हम देखते हैं अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलरेटर, अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलरेटर ये कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे, ये है जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर, ठीक है। कहाँ कहाँ, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर, इनमें क्या स्थापित किए जाएंगे, अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलरेटर, ठीक है। तो अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलरेटर कहाँ स्थापित किए जाएंगे, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर, इन जगहों पे। इन स्टूडियो में क्या है, सॉफ्टवेयर कोडिंग की, रोबोटिक्स लैब तथा मल्टीमीडिया या VFX की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलरेटर में क्या है, सॉफ्टवेयर कोडिंग, रोबोटिक्स, मल्टीमीडिया, VFX इनकी सुविधा प्रदान की जाएगी, और ये स्थापित कहाँ किए जाएंगे, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर में स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो क्या है, जयपुर के निकट क्या है, एक सैटेलाइट सिटी स्थापित की जाएगी। तो सैटेलाइट सिटी का नाम क्या रखा गया है, वह है हाईटेक सिटी। तो जयपुर के निकट कौन सी सैटेलाइट सिटी स्थापित की जाएगी, वह है हाईटेक सिटी। तो हाईटेक सिटी क्या है, एक प्रकार की सैटेलाइट सिटी है, और ये कहाँ पे स्थापित की जाएगी, जयपुर के निकट स्थापित की जाएगी। इस सैटेलाइट सिटी में क्या होगा, IT, फिनटेक तथा मैनेजमेंट से संबंधित अनेक कंपनियां स्थापित की जाएगी। तो जयपुर है, उसके निकट क्या है, एक सैटेलाइट सिटी स्थापित की जाएगी, उसका नाम क्या रखा जाएगा, हाईटेक सिटी रखा जाएगा। और ये इस जो हाईटेक सिटी में क्या है, IT, फिनटेक, मैनेजमेंट इत्यादि से संबंधित अनेक कंपनियां स्थापित की जाएगी इस हाईटेक सिटी में। तो हाईटेक सिटी क्या है, एक प्रकार की सैटेलाइट सिटी है। तो सैटेलाइट सिटी क्या होती है, जब भी कोई बड़ा शहर है, उसकी जब जनसंख्या बढ़ने लगती है, तो आबादी बढ़ने लगती है, तो वहां पे रोजगार की समस्या उत्पन्न होने लगती है। तो आबादी की समस्या तथा रोजगार की समस्या को दूर करने के लिए उस बड़ी सिटी के निकट ही क्या है, एक छोटी क्या स्थापित की कर दी जाती है, सैटेलाइट सिटी स्थापित कर दी जाती है। तो आबादी तथा रोजगार की समस्या को दूर करने के लिए के बड़े शहरों के निकट क्या है, एक छोटी सैटेलाइट सिटी स्थापित की जाती है। तो सैटेलाइट सिटी के एग्जाम्पल कौन कौन से है, जैसे मुंबई के निकट क्या है, पुणे है, वो क्या है, एक सैटेलाइट सिटी है। हैदराबाद के निकट क्या है, साइबराबाद स्थापित किया गया है, वो भी सैटेलाइट सिटी है। अहमदाबाद के निकट क्या है, गिफ्ट सिटी वो स्थापित की गई है, वो भी क्या है, एक सैटेलाइट सिटी है। उसी तरह से जयपुर के निकट कौन सी सैटेलाइट सिटी स्थापित की जाएगी, वह है हाईटेक सिटी। जयपुर के निकट कौन सी सैटेलाइट सिटी स्थापित की जाएगी, हाईटेक सिटी स्थापित की जाएगी, इंपॉर्टेंट है। तो हाईटेक सिटी क्या है, एक प्रकार की सैटेलाइट सिटी है, जो कि कहाँ स्थापित की जाएगी, जयपुर के निकट। और आपसे पूछ लिया जाएगी किन की तर्ज पर स्थापित की जाएगी, वह बुम्बई के निकट पुणे है,
हैदराबाद के निकट साइबराबाद है, अहमदाबाद के निकट गिफ्ट सिटी इसकी तर्ज पर। आगे हम देखते हैं जो सैटेलाइट सिटी है उसके निर्माण के लिए तो मेनली तो कौन काम करती है, राज्य सरकार, लेकिन जो उसके निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा भी कुछ सहायता प्रदान की जाती है। तो केंद्र सरकार द्वारा वो सहायता प्रदान की जाती है ना, वो किस कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाती है, तो वो है गति शक्ति कार्यक्रम के तहत। ठीक है, तो सैटेलाइट सिटी के निर्माण के लिए जो केंद्र सरकार को सहायता प्रदान की जाती है वो किस कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाती है, वो है गति शक्ति कार्यक्रम के तहत। तो जो सैटेलाइट सिटी के निर्माण के लिए जो केंद्र सरकार है वो किस कार्यक्रम द्वारा सहायता प्रदान करती है, वो है गति शक्ति कार्यक्रम के तहत सहायता प्रदान करती है सैटेलाइट सिटी के निर्माण के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं मिशन ओलंपिक्स 2028 क्या है। मिशन ओलंपिक्स 2028 है, इम्पोर्टेंट है कि मिशन ओलंपिक्स 2028 क्या है, इसके तहत क्या है, ओलंपिक में भाग लेने हेतु तैयार करने के लिए क्या है, ओलंपिक में जो भाग ले रहे हैं उसके लिए तैयार करने के लिए क्या है, 50 युवाओं को ट्रेनिंग किट तथा कोच संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। तो मिशन ओलंपिक्स 2028 के तहत क्या है, ओलंपिक में भाग लेने के लिए तैयार करने के लिए युवाओं को क्या है, कितने युवाओं को, 50 युवाओं को कितने ट्रेनिंग किट तथा कोच संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी, किस योजना के तहत, मिशन ओलंपिक्स 2028 के तहत। तो मिशन ओलंपिक्स 2028 के तहत क्या है, वो है ओलंपिक में भाग लेने के लिए तैयार करने के लिए 50 युवाओं को ट्रेनिंग किट और कोच संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी मिशन ओलंपिक्स 2028 के तहत। आगे हम देखते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट कहाँ पे खोला जाएगा, वो है जयपुर में। इम्पोर्टेंट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट्स, ये कहाँ खोला जाएगा, जयपुर में खोला जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स खोला जाएगा जयपुर में, इसमें व्यय आएगा 100 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट हम देखते हैं रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट क्या है, रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे खोले जाएंगे, ये है जयपुर, भरतपुर और उदयपुर में। रेजिडेंशियल स्पोर्ट गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे जयपुर, भरतपुर और उदयपुर में। इनमें प्रति पर कितना खर्चा आएगा, 25-25 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। तो रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे जयपुर, भरतपुर और उदयपुर में। नेक्स्ट हम देखते हैं संसद तथा विधानसभा में महिला को आरक्षण प्रदान करने के लिए जो प्रावधान किया गया उसके लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था, वो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। कौन सा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम किससे संबंधित है, वह संसद तथा विधानसभा में महिला आरक्षण का प्रावधान करने हेतु जो अधिनियम पारित किया गया था वह है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। आगे हम देखते हैं लाडो प्रोत्साहन योजना कौन सी है, लाडो प्रोत्साहन योजना इंपॉर्टेंट है। लाडो प्रोत्साहन योजना इसके तहत क्या है, गरीब परिवारों में बालिकाओं के जन्म पर क्या है, गरीब परिवारों में बालिकाओं के जन्म होने पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करना, ये कौन सी योजना के तहत है, लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत। तो लाडो प्रोत्साहन योजना में क्या है, गरीब परिवार में अगर बालिकाओं का जन्म होता है तो उनके जन्म पर क्या है, 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान किया जाता है। आगे हम देखते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कौन सी है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इसके तहत हम देखते हैं इसके तहत क्या है, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इसके तहत क्या है, गर्भवती महिलाओं को पहले बच्चे के लिए अब कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे, 6,500, ठीक है, 6,500 रुपए पहले बच्चे के लिए प्रदान किए जाएंगे। पहले के टाइम में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कितने, 5,000 रुपए 2 किस्तों में प्रदान किए जाते थे। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कितने, 5,000 रुपए पहले प्रदान किए जाते थे, उसको बढ़ा करके इस बजट में कितने रुपए कर दिए गए हैं, वह 6,500 रुपए कर दिए गए हैं इस बजट में, 5,000 रुपए को बढ़ा करके। तो पहले कितने थे, 5,000 रुपए और अब कर दिए गए हैं 6,500 रुपए कर दिए गए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत। अब हम आगे देखते हैं मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना इसके तहत क्या है, आईपीडी के साथ साथ अब क्या है, डे केयर को भी जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत आईपीडी के साथ साथ डे केयर को भी जोड़ा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं सड़क दुर्घटना के घायल लोगों को आगामी वर्ष से हाईवे पर क्या है, 25 एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई जाएगी। तो पहले क्या होता था, एम्बुलेंस अगर कोई दुर्घटना हो जाए हाईवे पर तो उसके लिए जो निकटवर्ती जिला है वहां पे फोन करना पड़ता था या निकटवर्ती शहर फोन करना पड़ता था एम्बुलेंस के लिए। अब क्या है, जो
जो हाईवे है हाईवे पर ही क्या है उपलब्ध करवाई जाएगी, 25 एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि जो घायल है उनको उपचार मिल सके। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में पेंशन की राशि कितनी कर दी गई है। पहले पेंशन की राशि कितनी थी, 1000 रुपए थी, उसको बढ़ाकर आगामी वर्ष में कितना कर दिया गया, 1150 रुपए कर दी गई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन की राशि को बढ़ा करके आगामी वर्ष के लिए कितना कर दिया गया, 1150 रुपए कर दिया गया है। ठीक है, तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की जो राशि पहले कितनी थी, 1000 रुपए, उसे बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 1150 रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना क्या है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना इसके तहत क्या है, 18 से 45 आयु के श्रमिकों को, ये इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना इसके तहत क्या है, 18 से 45 वर्ष के आयु के जो श्रमिक है और स्ट्रीट वेंडर है उनके लिए है। तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना कितने किसके लिए है, 18 से 45 साल के जो श्रमिक है तथा स्ट्रीट वेंडर है उनके लिए है। इसके तहत क्या है, 60 से 100 रुपए मासिक प्रीमियम जमा कराना होगा। तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना में क्या है, 60 से 100 रुपए का मासिक प्रीमियम जमा कराना होगा। ठीक है, और शेष जो 400 रुपए का प्रीमियम है वो कौन प्रदान करेगी, सरकार प्रदान करेगी। तो 1845 वर्ष के जो श्रमिक है उनको क्या है, प्रति माह 60 से 100 रुपए का मासिक प्रीमियम जमा कराना होगा, और शेष जो 400 रुपए है उसका जो प्रीमियम है वो कौन प्रदान करेगी, वो प्रदान करेगी सरकार। तो ये तो पहले जमा कराना होगा, जब वो 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेगा, ठीक है, तो 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा ना, तब क्या है उसे प्रति माह 2000 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। तो पहले तो क्या है 18 से 45 साल के जो श्रमिक है उनको क्या है, प्रति माह 60 से 100 रुपए जमा कराने होंगे, कितने, 60 से 100 रुपए जमा कराने होंगे, और 400 रुपए सरकार जमा कराएगी, ठीक है, उनकी तरफ से। ठीक, फिर बाद में क्या है, जब वो 60 साल की उम्र पूरी कर लेगा तो 2000 रुपए की क्या प्रदान की जाएगी, मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी उन्हीं को जो 60 से 100 रुपए लिए है उनसे, उसके जगह कितने, 2000 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो ये 2000 रुपए की मासिक पेंशन है ना, ये क्या है, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के अतिरिक्त होगी। तो मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, ये तो मिलेगी पेंशन इसमें, उसके अतिरिक्त जो श्रमिक है उन्होंने 60 से 100 रुपए जमा कराए थे उसके लिए उन्हें कितने, 2000 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी। तो ये इस योजना में क्या है, जो वृद्धजन सम्मान पेंशन है उसके अलावा पेंशन मिलेगी ये। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए रोडवेज बसों में पहले कितने 30% की छूट थी, उसको बढ़ा करके कितनी कर दी गई है, 50% की छूट कर दी गई है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोजिट रीजनल सेंटर क्या है, कंपोजिट रीजनल सेंटर ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, जयपुर में, इंपॉर्टेंट है, कंपोजिट रीजनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा, जयपुर में। इसके तहत क्या है, दिव्यांगों के शिक्षा कौशल तथा चिकित्सा की सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो कंपोजिट रीजनल सेंटर के तहत दिव्यांगों है उनको शिक्षा कौशल तथा विकास और शिक्षा कौशल विकास तथा चिकित्सा की सुविधा प्रदान की जाएगी इसके अंतर्गत। नेक्स्ट हम देखते हैं डीडीआरसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर, डीडीआरसी डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर ये क्या है, डीडीआरसी, इसके तहत क्या है प्रत्येक जिला मुख्यालय पर स्थापित किया जाएगा, क्या है, डीडीआरसी क्या है, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर स्थापित किया जाएगा, तो वो क्या है डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर डीडीआरसी, वो क्या है प्रत्येक जिला मुख्यालय पर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके तहत क्या है फिजियोथेरेपी एंड स्पीच थेरेपी की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो डीडीआरसी क्या है डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर, इसके तहत क्या है प्रत्येक जिला मुख्यालय पर स्थापित किया जाएगा और इसमें फिजियोथेरेपी तथा स्पीच थेरेपी की सुविधा प्रदान की जाएगी। आगे हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित न रह जाए, इस उद्देश्य से कौन सी क्या चालू किया गया है, वह है विकसित भारत संकल्प यात्रा चालू की गई है। ठीक है, किस उद्देश्य से चालू की गई है कि कोई भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित ना रह जाए, इस उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा चालू की गई है।
आगे हम देखते हैं राज्य के शुद्ध कर आय की एसएफसी ग्रांट है वो पहले कितनी थी 6.75 थी, उसको बढ़ा करके कितनी कर दिया गया है 7 कर दिया गया है। तो राज्य के शुद्ध आय की जो एसएफसी ग्रांट है उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है 7%, जिससे कि अब क्या है पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय स्थानीय स्वशासन को कितने 316 करोड़ रुपए अधिक मिल पाएंगे। तो उनको अब कुल कितने रुपए मिल पाएंगे 8,864 करोड़ रुपए मिल पाएंगे और 316 करोड़ रुपए अधिक मिल पाएंगे। किस कारण? क्योंकि वो कितना कर दिया गया है 7% कर दिया गया है। तो ये किसके लिए है? वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आरजीएचएस है उसके अंतर्गत क्या है कॉनफेड यानी राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, इसके माध्यम से क्या है दवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी होगी। डोर स्टेप डिलीवरी मतलब उनको घर पर ही दवाएं पहुंचाई जाएगी, ठीक है। किसके तहत? आरजीएचएस के तहत जो कॉनफेड है उसके माध्यम से दवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं सभी मानदेय कर्मी, मानदेय कर्मी में कौन कौन आ जाएंगे? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आ जाएंगे, आशा सहयोगिनी, मिड डे मील के जो कुक वगैरह वो, और होमगार्ड, पंचायती राज तथा नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि, इनके जो मानदेय में कितनी 10% की वृद्धि की जाएगी। तो जो सभी मानदेय कर्मी हैं जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, मिड डे मील कुक, होमगार्ड, पंचायती राज तथा नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि, इनके जो जो इनका मानदेय है उसमें कितनी 10% की वृद्धि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं लाडली सुरक्षा योजना, इंपॉर्टेंट है लाडली सुरक्षा योजना, इसके तहत क्या देखते हैं इसके लाडली सुरक्षा योजना, इसके तहत क्या है सार्वजनिक स्थलों पर बालिकाओं तथा बालिका छात्रावासों और नारी निकेतनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। तो लाडली सुरक्षा योजना के तहत क्या है सार्वजनिक स्थल है वहां पे बालिका के छात्रावास तथा नारी निकेतन है वहां पे क्या है सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। कौन सी योजना के तहत? लाडली सुरक्षा योजना के तहत। तो लाडली सुरक्षा योजना में क्या है सार्वजनिक स्थलों पर बालिका छात्रावासों पर तथा नारी निकेतन पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे जिससे कि महिला छेड़छाड़ एवं अपराध को रोका जा सके। तो लाडली सुरक्षा योजना में क्या है बालिका छात्रावासों और सार्वजनिक स्थानों पर क्या है सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे जिससे कि जो महिला छेड़छाड़ के जो अपराध है उनको रोका जा सके। आगे हम देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान, क्या है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान, इसके तहत क्या है बालिकाओं को आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान में क्या है बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और इस अभियान के तहत जिन बालिकाओं को उच्चतम स्तर का जो ब्लैक बेल्ट है, ठीक है, तो ब्लैक बेल्ट जिनको मिलेगा ना उनको स्पोर्ट्स में क्या प्रदान किया जाएगा स्पोर्ट्स कोटा प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो उनको क्या प्रदान किया जाएगा स्पोर्ट्स कोटा प्रदान किया जाएगा किनको जिनको इस अभियान के तहत ब्लैक बेल्ट मिला है उन बालिकाओं को। तो रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान इसके तहत क्या है बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा और जिन बालिकाओं को इस योजना के तहत ब्लैक बेल्ट मिला है उनको क्या है स्पोर्ट्स कोटा भी प्रदान किया जाएगा। आगे हम देखते हैं लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन योजना, क्या है लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन योजना। तो लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन योजना ये क्या है 1975 का जब इमरजेंसी लगी थी उसके उस समय क्या है संघर्ष करने वाले लोगों को 20,000 रुपए की पेंशन तथा 4,000 रुपए चिकित्सीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन योजना है लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन योजना इसके तहत क्या है जो 1975 में जो आपातकाल लगा था उसके टाइम संघर्ष करने वाले व्यक्तियों को 20,000 रुपए की पेंशन तथा 4,000 रुपए की चिकित्सीय सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं अमृता देवी विश्नोई इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम कहाँ पे खोला जाएगा वह खेजड़ली जयपुर में जोधपुर में, ठीक है। तो अमृता देवी विश्नोई इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम खोला जाएगा खेजड़ली जोधपुर में खोला जाएगा। सरकार का जो परिवर्तित बजट है 2024-25 का जो परिवर्तित बजट था जो कि 10 जुलाई 2024 को पेश किया गया था उसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को इस क्लास में हम देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि जो बीकानेर है बीकानेर के कौन से स्थान पूगल तथा छत्तरगढ़, ठीक है। तो बीकानेर के कौन से स्थान है पूगल तथा छत्तरगढ़ तथा जैसलमेर के है बोडाना,
जैसलमेर के बोडाना में और तथा बीकानेर के पूगल व छत्तरगढ़ में सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो ये पूछ सकते हैं कि बीकानेर के कौन से स्थान है पूगल तथा छत्तरगढ़ में और जैसलमेर के बोडाना इनमें यहाँ पे क्या है सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाए जाएंगे। प्रत्येक जिले में क्या है आदर्श सौर ग्राम बनाए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है 2750 किलोमीटर से अधिक लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। तो कितने ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे वह है 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे कि राजस्थान में कितने 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। ठीक है तो ये भी पूछ सकते हैं कि कितने ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे 9। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब अभी 2024 में। ठीक है तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है 2024 अपन को याद रखना है। तो ये पूछ सकते हैं अपन से राजस्थान में राजस्थान पेट्रो जोन RPZ राजस्थान पेट्रो जोन कहाँ पे बनाया जाएगा वह है बालोतरा में। तो राजस्थान पेट्रो जोन बनाया जाएगा बालोतरा में इम्पोर्टेंट है। तो राजस्थान पेट्रो जोन कहाँ बनाया जाएगा बालोतरा में। नेक्स्ट है कि जयपुर में ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है तो जयपुर में क्या है अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पे बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा जयपुर में। तो अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पे बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा जयपुर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है ये आपसे पूछ सकते हैं कि टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे बनाया जाएगा। टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा भीलवाड़ा में। सिरेमिक पार्क बनाया जाएगा बीकानेर में। तो इम्पोर्टेंट है सिरेमिक पार्क आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सिरेमिक पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा राजस्थान में वह है बीकानेर में। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक हब ये कहाँ पे बनाया जाएगा बांदीकुई दोसा में। इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक हब बनाया जाएगा बांदीकुई दोसा में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क। ठीक है सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क ये बनाया जाएगा काकानी या रोहट पाली में बनाया जाएगा। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाया जाएगा काकानी या रोहट पाली में। नेक्स्ट है कि बायोमास पैलेट एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क। बायोमास का जो पैलेट है एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क है वो बनाया जाएगा बांसवाड़ा में। नेक्स्ट है कि किशनगढ़ में टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाया जाएगा। टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क कहाँ है किशनगढ़ में। जबकि जोधपुर में क्या है हैंडीक्राफ्ट पार्क बनाया जाएगा। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट पार्क बनाया जाएगा। उसके अलावा वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क भी बनाया जाएगा जोधपुर में। तो ये आप उनको पूछ सकते हैं। तो देखना है क्या है टेक्सटाइल पार्क कहाँ है टेक्सटाइल पार्क है भीलवाड़ा में। सिरेमिक पार्क है कहाँ बीकानेर में। ठीक है इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक हब है वह है बांदीकुई दोसा में। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क है काकानी रोहट में। बायोमास पैलेट एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क है बांसवाड़ा में। टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क है किशनगढ़ में और हैंडीक्राफ्ट पार्क है जोधपुर में। ये सब बनाए जाएंगे जो। तो नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी कभी कब लागू की गई है वो लागू की गई है 2024 में। नेक्स्ट है कि जैसलमेर में क्या है फॉसिल पार्क एंड ओपन रॉक म्यूजियम बनाया जाएगा। इम्पोर्टेंट है पूछ सकते हैं कि फॉसिल पार्क एंड ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पे बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा जैसलमेर में। नेक्स्ट है सांभर झील खींचन जो संरक्षित क्षेत्र है शेरगढ़ अभ्यारण मनसा माता संरक्षित क्षेत्र और बस्सी वन्य जीव अभ्यारण इनको क्या है इको टूरिज्म साइट घोषित किया गया है। तो किन किन को घोषित किया गया एक तो है गया सांभर झील दूसरा है खींचन संरक्षित क्षेत्र तीसरा शेरगढ़ अभ्यारण फिर मनसा माता संरक्षित क्षेत्र और बस्सी वन्य जीव अभ्यारण को इको टूरिज्म साइट घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि सरिस्का और रणथंभौर में क्या है ईवी बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम चालू किया गया है। नेक्स्ट है अब हम देखते हैं कि मंदिरों के जीर्णोद्वार के लिए विकास कार्य के लिए सरकार कार्य कर रही है इसी तहत क्या है खाटू श्याम के जी के मंदिर के लिए कितना 100 करोड़ की राशि प्रदान की गई है। खाटू श्याम जी के मंदिर के लिए 100 करोड़ की राशि प्रदान की गई है। नेक्स्ट है कि वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा उदयपुर में तथा शिल्प ग्राम कहाँ बनाया जाएगा डूंगरपुर में। इम्पोर्टेंट है शिल्प ग्राम कहाँ बनाया जाएगा अभी डूंगरपुर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्य अभिलेखागार जो कि कहाँ पे स्थित है बीकानेर में स्थित है। तो राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है बीकानेर में उसमें क्या है
हिस्टोरिकल जो स्क्रिप्ट्स है उसका क्या किया जाएगा, डिजिटाइजेशन किया जाएगा। तो हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स का क्या किया जाएगा, डिजिटाइजेशन। और नेक्स्ट ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा जरूर, कि है ना, ये वाला आपको आने वाले एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। किशनगढ़ जो अजमेर है वहाँ पे तथा हमीरगढ़ भीलवाड़ा में क्या है, फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग चालू की जाएगी। तो फ्लाइंग ट्रेनिंग मतलब जो विमान को उड़ाने की जो ट्रेनिंग वगैरह है ना, उसके स्कूल, ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे, एक तो किशनगढ़ और दूसरा क्या है हमीरगढ़ जो कि भीलवाड़ा में है, वहाँ पे फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल चालू किए जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि किशनगढ़ तथा हमीरगढ़ में क्या है, फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल चालू किए जाएंगे, फ्लाइंग ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है कि झालाना जयपुर में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग एंड कम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट चालू किया जाएगा। तो वाइल्ड लाइफ की जो ट्रेनिंग है उसका जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे चालू किया जाएगा, वो है झालाना जयपुर में। वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चालू किया जाएगा कहाँ, झालाना जयपुर में। नेक्स्ट है अलवर में क्या एक नया बायोलॉजिकल पार्क बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आगे देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। भरतपुर, बीकानेर व अजमेर में क्या है, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी RIT बनाया जाएगा। भरतपुर, बीकानेर और अजमेर में RIT राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है वास्तु एवं ज्योतिष का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया जाएगा, जयपुर में। वास्तु एवं ज्योतिष का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा जयपुर में। नेक्स्ट है खेल नीति कब अभी लागू की है, 2024 में खेल नीति लागू की है। नेक्स्ट हम देखते हैं माँ योजना, ठीक है। माँ योजना का फुल फॉर्म क्या है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य। तो ये आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य, ये है माँ योजना, ठीक है। इसके तहत शिशुओं एवं छोटे बच्चों के इलाज के लिए क्या है, पेडियाट्रिक पैकेज दिया जा रहा है। तो माँ योजना में क्या है, शिशु और छोटे बच्चों के इलाज के लिए क्या है, पेडियाट्रिक पैकेज प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है अजमेर में क्या है, आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय खुलेगा। इम्पोर्टेंट है आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा, अजमेर में खुलेगा। और जबकि इसका जो महाविद्यालय खुलेगा वो खुलेगा महवा दूसरा में। तो आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा का विश्वविद्यालय खुलेगा अजमेर में। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना इसके तहत क्या है, शहरी क्षेत्रों एवं कस्बों के जो स्ट्रीट वेंडर है ना उनके लिए है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना क्या है, शहरों के जो स्ट्रीट वेंडर है उनके लिए चालू की गई है। नेक्स्ट है आंगनवाड़ी केंद्रों में अब क्या है, सप्ताह में 3 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। आंगनवाड़ी केंद्रों में भी अब क्या किया व्यवस्था की गई है कि सप्ताह के 3 दिन उन्हें बच्चों को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। जनजाति समुदाय के बच्चों के लिए क्या है, माँ बाड़ी केंद्रों का विकास किया जाएगा। क्या, माँ बाड़ी केंद्र के जनजाति समुदाय के बच्चों के लिए माँ बाड़ी केंद्रों का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट है कि मस्कुलर जो डिस्ट्रॉफी है उससे जो ग्रसित रोगी है उनके साथ जो सहयोगी जा रहा है उनको भी रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा प्रदान की जाएगी। तो जो रोगी है उनको तो की जाएगी, उसके अलावा जो उनके सहयोगी है उनको भी रोडवेज में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। नेक्स्ट है कि स्वय सिद्धा का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खोला जाएगा, वो खोला जाएगा जामडोली जयपुर में। स्वय सिद्धा का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा कहाँ, जामडोली जयपुर में खोला जाएगा स्वय सिद्धा का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। आगे हम देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है। तो हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो भूसावर भरतपुर में क्या खोला जाएगा, फूड पार्क। और भरतपुर में क्या फूड प्रोसेसिंग पार्क खोला जाएगा, भूसावर भरतपुर में क्या है फूड पार्क, जबकि भरतपुर में क्या है फूड प्रोसेसिंग पार्क खोला जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं तो आपके जो परिवर्तित बजट है उससे ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। इससे पहले बजट की क्लास हम ले चुके हैं,